बाइंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्रोड्यूसर, जिस कंपनी की इसमें हम बात करने वाले हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट होने वाली है, बिगेस्ट लेटेस्ट न्यूज़ होने वाली है, एंड जो यहाँ पे न्यूज़ होने वाली है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेंजिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी की लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे, तो सबसे पहले आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बेल आइकॉन को हिट कर देना, वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट स्लाइड। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट पे यहाँ पे हम आ चुके हैं, एंड यदि मैं आपको न्यूज़ यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ आई है, लेंडर्स एग्री टू रेज बाइंड एनर्जी फर्म सुज़लोन एनर्जी स्टेक टू 35%। तो यहाँ पे जो स्टेक है ये अपना 35% तक ले जाने वाले हैं, लेंडर्स की बात हो रही है, एंड यहाँ पे जो स्टेक कट होने वाला है वो यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे प्रमोटर्स का कट होगा। प्रमोटर्स के पास इस समय यदि मैं आपको बता दूँ तो 16% से ऊपर के शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास हैं शेयर्स सुज़लोन एनर्जी के। देन यदि बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे गिर के, आपको यहाँ पे लिखा होगा प्रमोटर्स होल्डिंग टू फॉल 12.7, तो आपको मैंने पहले बता दिया 16% लगभग यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग थी, देन फिर वो यहाँ पे घट के 12.7% होने को दिखेगी। यदि हम फुल न्यूज़ के ऊपर चलते हैं तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद फुल न्यूज़ पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो 12.7% यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग हो रही है वो यहाँ पे इक्विटी इनकी बदलेगी, यहाँ पे लोन में कन्वर्ट हो जाएगी जो इक्विटी रहेगी वो। अभी ये जो सोर्सेस किसके सोर्सेस से आई है, यहाँ पे टॉपिक्स होने वाले सुज़लोन एनर्जी और आदि सी के ऊपर न्यूज़ होने वाली है, एंड अभी की लेटेस्ट न्यूज़ होने वाली है बिजनेस स्टैंडर्ड ने यहाँ पे पब्लिश की, उसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभी हम फुल न्यूज़ को यहाँ पे आ चुके हैं, इसको भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो इंडियन लेंडर्स हैव अप्रूव्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ प्लान बाई वाइंड एनर्जी फर्म सुज़लोन एनर्जी टू कन्वर्ट पार्ट ऑफ इट्स डेब्ट अराउंड 41,000 करोड़ इनटू इक्विटी। इतनी बड़ी अमाउंट यहाँ पे इक्विटी में चेंज होने वाली है, इक्विटी का जो पैसा है यहाँ पे जो इनके स्टेक से जाने वाला है। ओके, जो इनका स्टेक्स है मैंने आपको पहले बता दिया, 16% से ऊपर प्रमोटर का यहाँ पे स्टेक है, और उस स्टेक को हटा के यहाँ पे लोन के रूप में रुपया लिया जा रहा है, एंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्रेडिटर्स स्टेक राइज टू 35%, जो क्रेडिटर्स हैं उनका स्टेक यहाँ पे बढ़ के 35% हो जाना है, एंड वाइल प्रमोटर, जो प्रमोटर इनके हैं उनका नाम यहाँ पे दे रखा है तुलसी तांती, स्टेक वुड फॉल टू 12.7% फ्रॉम 16% आफ्टर डिल्यूशन। ओके, इस डिल्यूशन के बाद इनका जो स्टेक है यहाँ पे 16% से घट के, ईजिली मैंने आपको सरल शब्दों में बताया है, 12.7% हो जाएगा, एंड उसके अवज में इन्हें कुछ लोन मिलेगा, जो लोन का अमाउंट है वो भी आपको ऊपर दिख गया होगा, इतने करोड़ है, 41,000 करोड़, 4,100 करोड़, 401,000, ओके 4,100 करोड़ इतना अमाउंट रहने वाला है। यदि फुल न्यूज़ और भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता दूँ तो REC है अ पावर सेक्टर लेंडर्स वुड पिकअप, ये यहाँ पे पिकअप करने वाली है कितने स्टेक को, 4.3% स्टेक को फ्रेश लोन के रूप में यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी से लेने वाली है, एंड उसके रेफरेंस में यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिफाइनेंस और ओल्डर लोन। ओके, सुज़लोन लीड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द रिफाइनेंसिंग प्रपोजल ऑन फरवरी, ये प्रपोजल फरवरी में लगाया गया था जो यहाँ पे अप्रूव्ड होने को दिखा है। यदि अभी हम डायरेक्ट स्टेक की बात कर लेते हैं यहाँ पे चल, तो फर्स्ट हम यहाँ पे एक नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं जिसमें आपको और भी पिक्चर क्लियरिफाई होगी आखिर होने क्या वाला है। तो मैं आपको यहाँ सरल शब्दों में बता देता हूँ, उसके पहले आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नोटिफाई किया है, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है 16.4%, इसमें से क्या होना है यहाँ पे 4% के अराउंड यहाँ पे क्रिएटर्स के पास जानी है ये होल्डिंग, तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग जो नेक्स्ट क्वार्टर में निकल के आएगी वो आपको 12% के अबव यहाँ पे 12% के अराउंड देखने को मिलेगी। यदि बात करें यहाँ पे FIIs की, तो FIIs भी यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी में 4% से ऊपर की स्टेक बना के रखे हुए हैं। DIs की बात करें तो 14% से ऊपर DIs की स्टेक है, एंड पब्लिक की स्टेक यहाँ पे
64% से ऊपर सामने निकल के आ रही है। बैंक एंड इंस्टीट्यूशन के पास छोटी सी होल्डिंग 0.01%, अदर्स या बैंक एंड इंस्टीट्यूशन जिन्हें हम बोलते हैं। यदि बात करें ट्रेंड्स की तो प्रमोटर्स के पास इनका जो ट्रेंड्स है आपको यहाँ पे सामने शो हो रहा होगा, लगातार कम होने को दिखा है प्रमोटर्स का स्टेक, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दिसंबर 2020 में इनके पास जो स्टेक था 17.46%, ओके 17.46% था, देन फिर यहाँ पे 17.17%, देन 16.52%, 16.41% एंड इस समय 16.04% इनका स्टेक बचा है कम होते होते। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट जरूर है इस कंपनी के लिए। मैं आपको अगेन एंड अगेन हर वीडियोस में बताता रहता हूँ कि इनका यहाँ पे स्टेक कम हो रहा है। यदि आप नए हैं तो आप मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बेल आइकन को हिट कर लेना है। एंड इस स्टेक में से इनने इतना 88.54% इन्होंने यहाँ पे स्टेक प्लेस्ड कर रखा है। प्लेस्ड का मतलब है इन्होंने इसके एवज में कुछ यहाँ पे पैसा उठाया हुआ है एंड और भी पैसा यहाँ पे लोन के रूम में उठाने वाले हैं। तो आपको नेक्स्ट यहाँ पे क्वार्टर में इनका जो स्टेक है यहाँ पे 12% से अराउंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ी बिग न्यूज यहाँ पे होने वाली है। एंड और भी बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे कल के ही दिन यहाँ पे 4 मार्च की जो यहाँ पे डेट दे रखी है मैं आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ। तो यहाँ पे जो सुजलॉन एनर्जी का प्राइस था 10 रुपए के अब भी रहा है एंड यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है उस दिन 2.53% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइस में करेक्शन हुआ था। प्रीवियस क्लोजिंग 9.90 की थी एंड उसके बाद 5 पैसे की गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है एंड मैंने आपको हाई ऊपर दिखा दिया कि वहाँ पे बंद हुआ है। यदि बात करें वॉल्यूम एंड डिलीवरी की तो वॉल्यूम एंड डिलीवरी इसकी ठीक ठाक निकल के आ रही है, 1 वीक के एवरेज से ज़्यादा है एंड कल से भी यहाँ पे उसके पहले एस्टरडे मतलब कल के पहले एक और जो दिन था उससे यहाँ पे डिलीवरी 8 करोड़ क्वांटिटी की निकल के आ रही है। एंड यदि एक और चीज़ बात करें डिलीवरी में, एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं हम जिसको बोलते हैं यहाँ पर ये डिलीवरी इसकी जो यहाँ पे वॉल्यूम था वॉल्यूम 8 करोड़ निकल के आ रहे हैं। डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने को देखने को मिली है। यदि आप देखें पिछली डिलीवरियाँ इसकी 28% थी, 35% थी, उसके पहले 38% थी, लेकिन यदि कल की ट्रेडिंग डे में देखें तो 47% की बहुत बड़ी डिलीवरी इस शेयर में उठाई गई है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी बिग न्यूज़ होने वाली है, बहुत बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट सुजलॉन एनर्जी शेयर के लिए यहाँ बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको ये शेयर यहाँ पे ऊपर जाने को दिख सकता है जिस तरह से यहाँ पे डिलीवरी सामने आई है, जैसा कि टेक्निकल एनालिसिस से समझ में आता है। एंड यही हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हर शेयर का करते हैं। आप जो भी शेयर नीचे कमेंट करेंगे उसका हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर देंगे। उसके लिए आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 वीक में आपको यहाँ पे 12.78% के रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न आपको बना के दे चुका है। एंड यदि 1 मंथ की बात करें तो थोड़ी नेगेटिव रिटर्न है क्योंकि पूरा मार्केट यहाँ पे रूस और यूक्रेन के बाहर से प्रभावित हुआ है, गिरा है। यदि 3 मंथ की बात करें तो आपको 45% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ चल रहा है एंड 1 ईयर एंड 3 ईयर में भी आपको 70% से ऊपर के पॉजिटिव रिटर्न चल रहे हैं। तो एक अच्छा खासा ठीक ठाक शेयर होने वाला है। एंड यदि बात करें सेल्स की तो इसकी लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर चल रहा है तो यहाँ पर सेल्स में भी ग्रोथ देखी गई है, 1609 करोड़ की सेल। एंड लास्ट क्वार्टर सितंबर में आपको 1355 सेल्स में यहाँ पर आपको साफ साफ ग्रोथ नजर आ रही है। एंड सेल्स के बाद यदि बात करें तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ है कंपनी की, जो इसका लॉस चल रहा था लास्ट क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 13 करोड़ के लॉसेस थे, देन इस क्वार्टर में यदि बात करें तो 36 करोड़ के यहाँ पर लॉस से डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिले। तो लेटेस्ट न्यूज़ की बात हो गई है एंड ऑल फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सारे जो एनालिसिस हैं हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसके लिए आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, नीचे ही सबसे ऊपर आपको प्लेलिस्ट दे रखी होगी, वहाँ पर आप सुजलॉन एनर्जी की सारी वीडियोज वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में।